हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को लेकर। जी हां दोस्तों, पिता के निधन के बावजूद भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने निभाया अपना राजधर्म, आंखों में नमी के बाद भी करते रहे मीटिंग। जी हां दोस्तों, आज के दिन योगी आदित्यनाथ के पिताजी का निधन हो गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात एक कर उत्तर प्रदेश को इस भयंकर बीमारी के संकट से उबार में जुटे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में कर्तव्यों को ऊपर रखकर वो अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। आज उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का 89 यानी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। दोस्तों वक्त करीब 10:30 का था। लोक भवन की जगह सोमवार को टीम 11 की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर होनी थी, लेकिन अधिकारियों और मीडिया से जुड़े लोगों के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे, क्योंकि बीती रात से ही योगी के पिता के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी। खैर रोज की तरह समय अनुसार मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री हॉल में आए, लेकिन आज साफ झलक रहा था कि वे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। दोस्तों मीटिंग में मौजूद अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अमूमन मुख्यमंत्री मीटिंग के दौरान चेहरे पर लगे मास्क को नीचे रखते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इससे चेहरे का भाव भले कुछ हद तक छिप रहा था, पर आंखों की उदासी उनकी नमी बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। बावजूद इसके राजधर्म का पालन पहली प्राथमिकता पर रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने समय के अनुसार मीटिंग शुरू की। टीम 11 के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और इस भयंकर बीमारी को लेकर प्रदेश की हालत पर चर्चा और अधिकारियों को निर्देश देते रहे। दोस्तों करीब 10:44 पर योगी आदित्यनाथ के करीबी बल्लू राय का आना हुआ, जो अमूमन मीटिंग के दौरान नहीं आते दिखते हैं। बल्लू के चेहरे पर दुख का भाव झलक रहा था। बल्लू ने एक पर्ची मुख्यमंत्री को दी, जिसे पढ़कर मुख्यमंत्री ने किसी से बात करने का निर्देश बल्लू राय को दिया। बल्लू ने फोन लगाकर सीएम योगी को दिया और बात करने लगे। बात महज 1 मिनट की रही होगी और मुख्यमंत्री ने फोन पर कहा कि वह मीटिंग के बाद फिर बात करेंगे। इसके बाद बल्लू राय चले गए और मुख्यमंत्री कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मीटिंग में अधिकारियों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मीटिंग ठीक वैसे ही चलती रही जैसे रोजाना चलती है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ की इस जिजीविषा को आप क्या कहेंगे, देशभक्ति को आप क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी की आत्मा की शांति के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में RIP जरूर लिखें। दोस्तों बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया है कि इस बीच सबने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गई है। शायद उन्हें पिता के निधन का समाचार मिला था, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा सर्वोपरि रखी और इस बीमारी से लड़ने की रणनीति बनाने की मीटिंग करते रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से पहले वह एक सन्यासी हैं। दोस्तों मीटिंग में एक तरफ जहां आंखों में नमी उनके दुख का सबूत था, तो दूसरी तरफ 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की चिंता का फर्ज। अपने पिता के निधन के बावजूद उन्होंने राजधर्म को प्राथमिकता दी और उसे निभाया। योगी आदित्यनाथ पहले भी सबसे ऊपर राजधर्म और यूपी की 23 करोड़ जनता का हित रखने को सर्वोपरि मानते हैं। दोस्तों पिता की मृत्यु भी उन्हें अपने इस पद से विचलित नहीं कर सकी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। उन्होंने कहा कि वह मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के कार्य करने का संस्कार बचपन में मुझे उन्होंने ही दिया है। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में बंद की सफलता और महामारी को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वह इस बंद का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ पर आऊंगा। दोस्तों योगी आदित्यनाथ की इस स्पीच के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ है राजधर्म, दूसरी तरफ है एक पुत्र का धर्म। उन्होंने पुत्र धर्म से ऊपर राजधर्म को रखा। तो दोस्तों यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। दोस्तों इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।